नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अग्निवीर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निवीर योजना को लेकर अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारतीय सेना ने अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट करना होगा, यानी कि इस साइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जुलाई 2022 से शुरू हो जाएगी। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्नीशियन एविएशन एंड एम्यूनिएशन, अग्निवीर क्लर्क स्टोरकीपर टेक्नीशियन, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शामिल होने की बात कही गई है, यानी कि इन पदों के लिए नियुक्ति की बात कही गई है। सेना की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह बताया जा रहा है कि भर्तियां पूरी तरीके से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर मेरिट आधारित होगी। केवल भर्ती प्रक्रिया में पास होने वाले उम्मीदवारों को सेना में भर्ती का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों के पास जरूरी सर्टिफिकेट नहीं होंगे, साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो तो वे खुद रिजेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि सेना ने जो है जिम्मेवारी छात्रों के ऊपर दी है कि अगर आपका सर्टिफिकेट जो है में कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेवारी सेना की नहीं होगी, आपकी खुद होगी। आइए अब जान लेते हैं कितनी सैलरी मिलेगी अग्निवीरों की। सेना की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार उम्मीदवारों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक साल 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि नौकरी के दौरान पहले साल 30,000 वेतन दिया जाएगा, जबकि दूसरे साल में 33,000 रुपये दिया जाएगा, तीसरे साल में 36,500 रुपये वेतन दिया जाएगा और चौथे साल में 40,000 रुपये का वेतन उनके पास होगा। आइए अब जान लेते हैं पद के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता क्या होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल ड्यूटी पद के लिए। इसमें उम्मीदवारों की कक्षा 10वीं में न्यूनतम 45% नंबरों के साथ पास होना चाहिए। वहीं टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनिएशन पदों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% नंबरों के साथ 12वीं कक्षा में पास होना चाहिए। क्लर्क या फिर स्टोर कीपर पद के लिए उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम में न्यूनतम 60% नंबरों के साथ 12वीं की कक्षा पास होनी जरूरी है। साथ ही साथ अंग्रेजी और मैथ में 50% नंबर आना जरूरी है। ट्रेडमैन के पदों के लिए 10वीं से 8वीं पास व्यक्ति के लिए अलग अलग भर्ती की जाएगी। बता दें कि सभी विषयों में 33% नंबर आना अनिवार्य कर दिया गया है। इन सभी पदों के लिए उम्र सीमा 17.5 साल से 23 वर्ष निर्धारित की गई है। इन सभी योजनाओं के साथ साथ यह भी बताया गया है कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट धारकों को 5 नंबर बोनस के रूप में दिया जाएगा, वहीं एनसीसी बी सर्टिफिकेट धारकों को 10 नंबर बोनस के रूप में दिया जाएगा, तो वहीं एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को 15 नंबर बोनस के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी और क्लर्क स्टोर कीपर पदों के लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को CEE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से छूट दी जाएगी। 4 साल की नौकरी समाप्त होने के बाद अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट और कक्षा 12वीं के समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि जो उम्मीदवार 10वीं पास हैं उन्हें 4 साल के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि इसकी पूरी जानकारी बाद में साझा की जाएगी। ऐसे में 8वीं पास और 10वीं पास युवाओं के लिए अग्निवीर के माध्यम से सेना में बहाल होने का सुनहरा अवसर आया है। ऐसे में अब हम जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाने के बाद आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अग्निवीर में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको joinindianarmy.nic.in पे जाना होगा। यहाँ जाने के बाद जो है आप पूरे नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ें, उसके बाद जो है आप अपनी उम्र सीमा और अपनी योग्यता के अनुसार पद का चयन करें और उसमें आवेदन करें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।